मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे लिखना है, इसके 15 फीचर्स में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये 15 पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट सुपर मेमोरी टेक्निक जो मैंने बिल्ड किया है, स्टोरी, एक डॉक्टर की स्टोरी, जिससे मैं प्रॉमिस करता हूं ये 15 के 15 पॉइंट 15 सेकंड के अंदर लर्न हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है फुल 8 मार्क का, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं इसलिए मुझे पता है कैसे लिखना है। तुम क्या करोगे, पहले एक चार्ट ड्रॉ करोगे, उससे इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो भी पैसा कमाने के एक्टिविटी किए जाते हैं उसमें 3 भाग कौन से, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद तुम्हारा आंसर बेटा ए बी सी डी फॉर्म में होगा और ई होगा फीचर्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस के लिए 2 चीज याद रखना, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट, और दूसरा होना चाहिए कंटिन्यूटी, ठीक है। सो एनी एक्टिविटी डन विद या कैरिड आउट विद प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड एज बिजनेस। जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। हालांकि आजकल का जनरेशन बिजनेस से ज्यादा नया वर्ड यूज करता है, स्टार्टअप। स्टार्टअप ज्यादा, शार्क टैंक आता है ना प्रोग्राम, देखा है, तो आजकल स्टार्टअप बिजनेस, बिजनेस ही है वो, नाम सिर्फ क्या यूज हो रहा है, स्टार्टअप। और जो बिजनेस शुरू करता है उसको एंटरप्रेन्योर या तो प्रमोटर बोलेंगे, स्टैंडर्ड भाषा में तो बिजनेसमैन बोलते हैं। बट आज के तारीख में बिजनेस कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो गया है, क्योंकि बोलते ना ब्रांचेस लोग ज्यादा खोल रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और बहुत सारे, बोलते ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आ चुका है। मीनिंग ऑफ बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने की एक्टिविटी, अंडरटेकन ऑन अ रेगुलर बेसिस। दो चीज मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और कंटिन्यूसली होना चाहिए। सो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने का एक्टिविटी, बिजनेसमैन जो कमाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, डन कंटिन्यूसली। बट कैसे, प्रोडक्शन, मारुति कार बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तुमने वो टेम्पो देखा है जिसमें टेम्पो का पिछला दरवाजा खोलता है और ब्रेड देता है, टेम्पो किराना शॉप के बाहर दूध, ब्रेड, अलग अलग, वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, सेल और परचेस, किराना शॉप ले लो। इसका मतलब बिजनेस इंक्लूड्स प्रोडक्शन, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लाइक अ मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति कार, टायर, इंजिन, बॉडी, सबको जोड़ के वो लोग क्या बनाते हैं, कार, ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का एक पार्ट हुआ जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, याद है थम्स अप के गाड़ियां जिसमें क्रेट रहते हैं पीछे, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हुआ। ये टेम्पो के पीछे ब्रेड रहता है। और सेल और परचेज, सेल खरीदी बिक्री, वो तो सिंपल सा है, किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी वाला, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज, डेफिनेशन बेटा तुमको रट्टा मारना है, याद है ना हमने डेफिनेशन का कल रट्टा मारा था, ये तुमको बेटा पूरे 2 लाइन का ही रट्टा मारना है, बाकी में कहीं भी रट्टा मारने बोलूंगा नहीं। सो बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोस ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डिरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ क्या, बिजनेस से प्रॉफिट होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट में वेल्थ बनेगा, तो वो चक्र घूमता जाएगा। सिंपल सी भाषा में बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसकी मदद से प्रॉफिट होता है, विच इज डन कंटिन्यूसली। जो आदमी बिजनेस कैरी ऑन करता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोलो, मारुति उद्योग लिमिटेड बोलो, किराना शॉप बोलो, मेडिकल स्टोर बोलो, भाजी बेचने वाले बोलो, ये सब क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके बाद ये ABCD हुआ, देखो कितना अच्छा, तुमने एग्जाम में पहले चार्ट ड्रॉ किया, फिर तुमने ये देखो इधर, एक सेकंड में इसको भी बता दूं, ये आ गया इधर, फिर तुमने ये चार्ट ड्रॉ किया, फिर ABCD लिखा और तुम्हारा ई होगा फीचर्स ऑफ बिजनेस। ये ना मैं एक एक करके तुमको एक्सप्लेन करूंगा, क्या फीचर्स ऑफ बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस, तीनों वर्ड सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक करके।
तुमने देखा ई हुआ, ये चार्ट हुआ, ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ और ये ए हुआ, तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। कहाँ काटेगा? तुमने सब कुछ दिया ना बेटा, एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ, मीनिंग के साथ, डेफिनेशन के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहला कितना इजी है देखो, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? जो कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो जगह पे किया जाता है उसको इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने का एक्टिविटी, बिजनेस का पैसे का कमाने का एक्टिविटी क्या है? प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो प्रॉफिट क्यू ग्रोथ और एक्सपांड। पहले जमाने नासिक में जो थे ना, एक एक होता था, समर्थ जो सेंटर बहुत फेमस है, कृष्णा बड़ा पाव, मामा सावाजी, विजु दावली, सबके एक एक थे। अभी सब दो दो तीन तीन चार चार खोल रहे हैं। करी लीव्स कितनी जगह पे होटल, ठीक है ना। और स्टारबक्स नासिक में भी आ गया, पूरे इंडिया में है। मैकडोनल्ड्स 35,000 प्लस मैकडोनल्ड्स है वर्ल्ड में। तुम इमेजिन करो किस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है, 35,000 प्लस मैकडोनल्ड्स। रिटर्न्स, बिजनेस का रिटर्न किस फॉर्म में होगा तुमको? प्रॉफिट। कैसे होगा प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट। 100 रुपए की वस्तु बेची, 80 रुपए कॉस्ट, 20 रुपए क्या होगा? प्रॉफिट। नेचर ऑफ वर्क, तुम दो काम करोगे, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। लकड़े को प्रोसेस करके बेंचेस बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है। उसमें एक एग्जांपल कैसे भूल सकते हैं, आइकिया। नाम सुना है आइकिया का? नहीं सुना है? आइकिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम है, मुंबई में, नवी मुंबई में है, 8 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। उसमें खाने की जो जगह है वहां पे 1,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं, 1,000 से 2,000 लोग काम करते हैं। इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, मुंबई में है। पहला हैदराबाद में खुला, अभी नवी मुंबई में खुला, मैंने सुना है पुणे में भी है और बैंगलोर में ओपन कर रहा है। वो लोग धीरे धीरे ओपन करते हैं, एक साथ ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना 8 फुटबॉल फील्ड करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है, बट बहुत बढ़िया बनाते हैं। आईकिया, IKEA। और तुमको पता नहीं तो एक बार गूगल देख लेना, बहुत गजब का दुकान शोरूम है। तो नेचर ऑफ वर्क, आइकिया रॉ मटेरियल लकड़े को फर्नीचर में कन्वर्ट करता है, या किराना शॉप बाइंग सेलिंग करता है। तुम एक फर्क समझो बेटा, जो आइकिया है फर्नीचर को मॉडिफाई करता है तो उसको मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री बोलेंगे। अच्छा, इससे भी एक और बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, तुम खुश हो जाओगे। एप्पल का तो नाम सबने सुना है, एप्पल, लेकिन तुमने फॉक्सकॉन का नाम नहीं सुना होगा। FOXCON वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, साउथ कोरियन कंपनी है। तुमने क्यों सुना नहीं? क्योंकि फॉक्सकॉन बनाता है एप्पल के आईफोन, ठप्पा लगता है एप्पल का। लेकिन फॉक्सकॉन सोनी के लिए भी बनाता है, सैमसंग के लिए भी बनाता है, भारत में भी है, चाइना में भी है, सब जगह पे फॉक्सकॉन है। साउथ कोरिया के तीन बड़े कंपनीज है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन। ये तीनों एप्पल, सैमसंग, सब दुनिया के मोबाइल, टीवी, सब कंपनीज के ये लोग ही बनाते हैं। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इंडस्ट्री बोलेंगे। तुमने एप्पल के प्रीमियम रीसेलर सुना है? आईविनस नासिक में जो है, या मेरे स्टूडेंट का एलिमेंट स्टोर है। ये लोग आईफोन खरीदते हैं, आईफोन को बेचते हैं, मॉडिफाई नहीं करते, तो इन लोग को टेक्निकल भाषा में रीसेलर बोलते हैं। समझ में आया फर्क? तो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करता है, एप्पल का रीसेलर उसी रूप में बेचता है, व्यापारी, ट्रेडर। फॉक्सकॉन एप्पल के आईफोन बनाता है एज इंडस्ट्री, लेकिन जो दुकानें हैं एप्पल के, या शोरूम जो बोलना चाहिए, एप्पल के अमेरिका में बड़े बड़े शोरूम में तो सीढ़ियां कांच के हैं और वो भी पेटेंटेड है। इंडिया तो बहुत पीछे है अभी, लेकिन इंडिया भी धीरे धीरे, आईफोन 13 भी इंडिया में बन रहा है, प्रोमैक्स भी बहुत जल्दी इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अकेला चाइना पर डिपेंडेंसी रिस्की हो जाता है। अभी चाइना ने कोविड की वजह से लॉकडाउन किया था ना, तो बैंड बच गई सबकी, तो इसलिए इंडिया भी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है, अलोंग विद चाइना, अलोंग विद ताइवान, सॉरी ताइवान, इंडिया, मलेशिया, ये मैन्युफैक्चरिंग के बड़े सेंटर्स।
ठीक है। सो नेचर में तुम मैन्युफैक्चर भी करते हो, तुम रीसेलर भी हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, क्योंकि बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स दो भाग आएगा। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा जहां तक नॉलेज है फॉर्ड कंपनी शुरू हुआ 1903 हेनरी फॉर्ड इंजीनियरिंग का नॉलेज, सोनी कंपनी अराउंड 40s में इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ, उसमें दो फाउंडर थे, एक इबुका था और एक एक्यो मॉरिटा था। इबुका वॉज अ मास्टर इंजीनियर, एक्यो मॉरिटा वॉज अ मास्टर मार्केटिंग पर्सन। सो स्टार्ट जो आजकल के स्टार्टअप है ना अंधाधुंध नहीं करते, कोडिंग में मास्टरी होगा या मार्केटिंग में मास्टरी होगा। होंडा 24th of September 1948 को शुरू हुआ, उसका फाउंडर सोइशिरो होंडा, he was a genius engineer। फॉर्ड 1903, फिएट, फिएट का नाम सुना है? फिएट फरारी का मालिक है, फिएट फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबिली टोरिनो 1901, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली इंजीनियर थे जिन्होंने स्टार्टअप किया था। सो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी जो स्टार्टअप शार्क टैंक आ रहा है ना प्रोग्राम, तुम सब देखो सबके सब हाईली क्वालिफाइड एमबीएस है, ठीक है। कुछ आईएम्स के, कुछ आईआईटीज के, कुछ फॉरेन में एमबीएस किए, कुछ इंडिया में किए। बोलने का तात्पर्य क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम क्वालिफाइड होंगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस 10 गुना फास्ट होगा। कोई किराना शॉप तो पांचवी पास वाला भी करेगा, लेकिन आजकल एडुकेशन से तुम टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट कितने में शुरू हुआ किया? 4 लाख रुपए में। बेचा कितने में? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में बेचा फ्लिपकार्ट को अमेरिका के वॉलमार्ट को। 4 लाख रुपए से शुरू किया था भाई ने और बेचा कितने में? 1 लाख करोड़। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप जब करते हैं आगे चलकर वो कुछ लोग बेच देते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में कितने लोग काम करते थे? 50-100 लोग। व्हाट्सएप का संपत्ति मुश्किल से होगा 100 करोड़। बेचा कितने में? 20,000 करोड़ में। गुडविल नाम ब्रांड। इंस्टाग्राम किसने खरीदा? फेसबुक ने। कितने में खरीदा? 5,000 करोड़। जैगवार किसने खरीदा? टाटा ने। कितने में खरीदा? 33,000 करोड़। कोरस सुना है? स्टील की कंपनी टाटा ने खरीदा 40,000 करोड़ में। टाटा टेटली सुना है? टाटा टी से 4 गुना बड़ा था, बेटे ने भाप को खरीद लिया। टाटा ने टेटली यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया, इसलिए वो टेटली से यूरोपियन कंपनी टाटा ने खरीदा। सो बोलने का तात्पर्य है कि क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज के तारीख में ना बेटा एक्सपेक्टेड है क्वालिफाइड, ताकि तुम बहुत फास्ट ग्रो करो बिजनेस को। रजिस्ट्रेशन से कैसे होता है? अब डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करना जरूरी है, लेकिन बिजनेस का लोकल लेवल पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। शॉप एक्ट ले लो, कंपनीज एक्ट 2013 ले लो, पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 ले लो, कस्टम्स एक्ट 1961 ले लो, जीएसटी ले लो, एक जमाने में सर्विस एक्ट 1994 था उसमें ले लो, एक जमाने में सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था। सो ऐसे अलग अलग लोकल एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, ये सब जगह लोकल लेवल पे तुमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन बिजनेस का कोई बिजनेस एक्ट नहीं, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे करना पड़ता है, बाकी जगह जरूरत नहीं है। नॉट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी। सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करता है। बिजनेस का कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, इसलिए तो तुम देखो कभी कभार ब्रेड का वजन, तुम ब्रेड का नॉर्मल वजन रहता है 400 ग्राम्स, कुछ बदमाश लोग तुम वजन करोगे तो 380 ग्राम्स मिलेगा। इडली का आटा या मराठी में इडली का पीठ बोलते हैं, वो 1 किलो करेगा तो चांसेस वजन कराओगे तो 960 ग्राम्स भी हो सकता है। ऐसे बदमाश लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं। सो ऑफ कोर्स पकड़ेगा तो पेनल्टी है, लेकिन सीए का, सीए ने एडवर्टाइज कर लिया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रैक्टिस कैंसिल भी करवा सकता है, समझ में आया। तो प्रोफेशनल बॉडी रेगुलेट नहीं करता बिजनेस के, बट गवर्नमेंट एजेंसीज ध्यान देते हैं। तुम ऐसे कुछ ऐड किए तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब है जो ध्यान रखते हैं रिस्क। अभी तुमने एक किराना शॉप सोचा, तुमको पहले भाड़े से जगह लेना पड़ेगा, स्टॉक भरना पड़ेगा, गल्ला के लिए फर्नीचर ये सब बनाना पड़ेगा, शेल्फ बनाने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा किसका है? बिजनेस का, ठीक है ना। तो रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल बिजनेस का सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तुमने किराना शॉप डाला, लोग अमेजन फ्लिपकार्ट से किराना खरीद रहे, ऑनलाइन खरीद रहे, और नासिक में डीमार्ट आ गया, मेट्रो है, अभी स्टार बाजार आ गया, सब धुरंधर है ना खिलाड़ी, और सबके पास बेस्ट रेट में मिल रहा है।
तुम अमूल की दुकान में जाओगे, तुम डीमार्ट में चले जाओ, वहां पर लिखा रहता है ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल 10% डिस्काउंट, तो अमूल का दुकान तक सेल कम हो गया क्योंकि डीमार्ट में तुम 10% डिस्काउंट, अब तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग जब अमूल का बटर लेंगे, चीज लेंगे, ठीक है ना, 500 रुपए का तो बिल हो जाएगा, बड़ा चीज का पैकेट, बड़ा बटर का पैकेट लिया, 500 में 10% 50 तुम लोगे, पेट्रोल वसूल हो गया, दूसरे भी चीजें आ गई, तो इनके सामने टक्कर लेना मुश्किल पड़ता है, रिस्क काफी है। कपड़ों के दुकान तो आजकल नए खुलना बहुत ही मुश्किल है, लोग अमेजन फ्लिपकार्ट, अभी टाटा क्लिक भी बहुत अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हारा मीशा करके कुछ मीशो है, हाँ मिंत्रा, मिंत्रा तो फैशन के लिए बहुत अच्छा है मैंने सुना है, तो लोकल लेवल पे कौन चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम तो नासिक में कितने दुकान मुश्किल से मोबाइल बेच पाते हैं, सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं, करेक्ट। खुद एप्पल भी ऑनलाइन में आ गया है मार्केट में। रिस्क बहुत ज्यादा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, तुम मेरे पास आए मैगी, मैंने बोला मैगी नहीं बाजू वाले से ले लेना, कर सकते ट्रांसफर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डॉक्टर सर्जरी कर रहा है वो बोलेगा आज मूड नहीं दूसरा कोई करेगा, तुमको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई, इंटरेस्ट बिजनेस पे कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी, फोर्ड 1903 से है, फियट 1901 से, तुमने टाटा सुना है ना, टाटा का पहला ट्रक टीएमबी 512 1950 से है, टाटा मर्सिडीज बेंज, टाटा का मर्सिडीज बेंज टाइप पे था, पहले टाटा का लोगो नहीं आता था, मर्सिडीज बेंज का लोगो आता था टाटा के ट्रक में, मर्सिडीज बेंज पहला पेटेंटेड व्हीकल किसके नाम पे, मर्सिडीज बेंज 1886, होंडा 24 सितंबर 1948 से एंटर्ड इनटू कार्स 1962, भारत में कब आया 1984, महिंद्रा कब से 1944, फरारी कब से 1947, ठीक है ना, तो कितने साल हो गए, कैडबरी 100 साल के ऊपर हो गए, तो कंटिन्यूटी है तभी तो है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट कंटिन्यूसली, उसको टेक्निकल भाषा में जॉइंट वेंचर बोलते हैं, टेम्पररी पार्टनरशिप, बिजनेस को कंटिन्यूसली करना होता है, टू पार्टी, सिंपल था, एक सेलर एक बायर, दोनों में क्या होता है एक्सचेंज, गुड्स वो देगा, तुम जाके बोलोगे मैगी दो, वो मैगी देगा, तुम क्या दोगे पैसा, या ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, सिर्फ दोनों के बीच में क्या होगा, खरीदी बिक्री अगेंस्ट पैसा। और क्लासिफिकेशन के दो भाग कौन से बिजनेस के, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है, वस्तु बनाता है, कॉमर्स क्या करता है, कस्टमर तक बेचता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। अब ये कितने पॉइंट्स है, 15 पॉइंट्स, मैंने प्रॉमिस किया था कि 15 के 15 पॉइंट्स तुमको 15 सेकंड के अंदर लर्न करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस था। अब मैं तुमको एक स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार स्टोरी देख लेना, उसके बाद तुम खुद से लिख पाओगे, ये मेरा तुमको प्रॉमिस है। लेट अस स्टार्ट। मैं चाहता हूं तुम सोचो, एक लड़का है, तुम खुद को ये सोचो कि तुम चाहते हो कि तुम डॉक्टर बनो, इसलिए तुम्हारे हाथ में एक इकोनॉमिक्स की बुक है, तुम बाजू में करते हो। इकोनॉमिक्स की बुक जैसे विचार आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट नंबर 1, क्यों बाजू में करते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना। तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम रिटर्न्स में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। वापिस से पॉइंट नंबर 1, एक लड़का अपने इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है, क्यों रिटर्न्स में उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब वो नेचर के हिसाब से, नेचर मतलब कुदरत, कुदरत के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, 4 AM, जिस बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको डॉक्टर का क्वालिफिकेशन मिल जाता है। जैसे ही क्वालिफिकेशन मिल जाता है, वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। सिर्फ यहाँ पे नॉट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी है, लेकिन पॉइंट से कनेक्टेड है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट 7 पॉइंट्स अगेन। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है, क्यों, क्योंकि रिटर्न्स में बहुत पैसे कमाना चाहता है। नेचर के हिसाब से वो सवेरे 4 बजे उठता है, आखिर वो क्वालिफिकेशन हासिल करता है MBBS, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, ठीक है। अब वो जॉब करता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स होते हैं, इसलिए वो अपना जॉब ट्रांसफर करा के क्लिनिक खोल लेता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जॉब छोड़ के, ठीक है, क्लिनिक खोल लेता है, और उसमें कैपिटल के तौर पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ जॉब इनटू क्लिनिक, और 10 लाख रुपए का वो कैपिटल डालता है क्लिनिक शुरू करने के लिए।
क्लिनिक शुरू हो जाता है, उस क्लिनिक के दरवाजे कांच का रहता है, कांच में वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट लिखता है कि सिर्फ मास्क पहने हुए लोग अंदर आ सकते हैं। लेट अस रिवाइज द पॉइंट्स अगेन। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है, रिटर्न्स में उसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। नेचर ऑफ वर्क, नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है और आखिर MBBS का क्वालिफिकेशन हासिल करता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद वो जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट उसमें एक रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आते हैं। ये देखते हुए वो अपना जॉब ट्रांसफर करा लेता है टू क्लिनिक। उसके लिए उसको 10 लाख रुपए का कैपिटल लगता है। उस क्लिनिक में एक दरवाजा रहता है कांच का, बाहर वो चिपकाता है, सिर्फ मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली अंदर आते हैं। लास्ट में वो बोलता है सिर्फ दो पेशेंट ही अंदर आ सकते हैं। फिर दवाई वो उस क्लिनिक के अंदर ही सेल और एक्सचेंज, बेचना और खरीदना शुरू कर देता है, और लास्ट में पेशेंट्स की क्लास भी उसी क्लिनिक में लेता है, क्लासिफिकेशन। अब हम लास्ट में सारे के सारे 15 पॉइंट्स रिवाइज करेंगे, चलो मेरे साथ। नंबर वन, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है। पॉइंट नंबर वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट नंबर टू, उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है, क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाने के रहते हैं। पॉइंट नंबर चार, वो नेचर के हिसाब से 4 बजे पढ़ाई शुरू करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कराता है विद अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, फिर वो गवर्नमेंट में जॉब करता है, बट उसमें रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड के पेशेंट आते हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करवा लेता है टू अ क्लिनिक। उसके बाद कैपिटल 10 लाख रुपए का डालता है और क्लिनिक शुरू करता है। उस क्लिनिक के दरवाजे के बाहर एक कांच पे लगाता है कोड ऑफ कंडक्ट की, मास्क पहने हुए लोग, बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी अंदर आते हैं। लास्ट में बोलता है दो ही पार्टी, दो ही पेशेंट आ सकते हैं, और उसमें सेल और एक्सचेंज कराता है और उनकी क्लास वहीं पे शुरू करता है। अब बिना देखे 15 पॉइंट्स लिख के निकालो, देखो कितने याद है। स्टार्ट।